मराठी ज़बान बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, और जेलीना देशमुख जो इस मूवी में नज़र आई हैं, कमाल की एक्टिंग है उनकी, कमाल की लुक्स है, और रितेश देशमुख हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे दो इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिनकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके यार उधर ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो जी गाइज, आज का जो टॉपिक है वो मैं फ़र्स्ट टाइम एक मराठी मूवी का ट्रेलर आया है उसको मैं रिएक्ट करूँगा, जो कि रिलीज़ हो रही है 30 दिसंबर 2022 को। तो इस मूवी को रिएक्ट करने की खास वजह यह है कि ये जो मूवी के जो लीड स्टार कास्ट है वो मेरी दोनों ही फेवरेट हैं जी। वो इस वजह से हैं कि इनकी मैं मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा शौक से देखता हूँ जी। मूवी का नाम है वेट। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो लीड स्टार कास्ट मेल में भी मेरे फेवरेट और फीमेल में भी, तो अब मैं नाम रिवील करता हूँ जी। रितेश देशमुख है और जेलीना देशमुख है। तो ये दोनों मियाँ बीवी हैं। इनकी इससे पहले एक मूवी आई थी हिंदी, इसका नाम था मिस्टर मम्मी, वो भी हिट गई थी और मौजू बहुत ही डिफरेंट था और कॉमेडी मूवी थी, बहुत ही अच्छी उन्होंने बनाई थी। तो जी ये फर्स्ट मूवी है जेलीना देशमुख की मराठी, इससे पहले वो तमिल भी कर चुकी हैं, तेलुगु भी कर चुकी हैं, और हिंदी मूवीज़ में आप लोगों ने भी देखी हैं, जो कि अगर मेरी हिंदी मूवीज़ की बात करें तो फर्स्ट मूवी में आई थी, तो वो मेरी उनकी फेवरेट है। तो जी रितेश देशमुख का डेब्यू हुआ था 2013 में ब्लॉक मूवी से, तो जिसमें अगर हम कैमियो जेलीना देशमुख भी कर चुकी हैं, और उसके बाद 2014 में ले बिहारी आई थी, एक्शन मूवी थी बहुत ही मज़े की। अगर उसके बाद हम बात करें 2018 में उनकी मौली मूवी आई थी। तो इस तरीके से उनका मराठी मूवीज़ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जी जेलीना देशमुख ने, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस मूवी को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है, तो मतलब कि स्टार कास्ट में भी इन्होंने खुद ही आए हैं, प्रोडक्शन में भी खुद ही आ गए हैं, डायरेक्शन में भी खुद ही आ गए, सब कुछ तो इन्होंने खुद ही कर लिया। इन्होंने इस तरीके से बहुत ज़्यादा बचत की है कि सारा कुछ ही इन्होंने खुद कर लिया। शुक्र यह है कि यार रितेश देशमुख का टैलेंटेड है, जैसे कि उनकी अगर हम बात की जाए एक विलन में एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और अब सिर्फ उनका यही रह गया, एक सिंगिंग टैलेंट रह गया उसके बाहर, तो उसके अलावा तो वो सारे टैलेंट आजमा चुके हैं। तो यार आइए ट्रेलर की जानी बढ़ते हैं, तो बाकी बातें हम ट्रेलर के बाद करेंगे। तो जी लेट्स प्ले। प्रेम तू ही केलस अणि मी वो जी वो कॉलेज स्टूडेंट्स बनी हो इतकी वर्ष झाली आता तुझ्या लग्नाला, कधी दोन शब्द प्रेमाचे कधी बाहेर फिरायला नेले? तुम्हाला जायचं एवढं फिरायला? मलाच पोचवायला बघ तू। काल कपडे धुताना तुमच्या खिशात हे सापडलं। नक्की माझ्याच खिशात होत। घरी नवऱ्यासमोर भाऊली सारखी गप्प असते, हा इथे आल्यानंतर लोकांवर फडफड करते, आताच्या आता नीट ठेव। दिवसभर काही काम करायचं नाही, दारू रुसत राहायचं, अरे बायकोच्या पगारावरती जगताना राज नाही होत। मी तिला आठवायला भीतोय की विसरायला, हेच मला कळत नाही। का केलं? प्रेमच नाही, त्याच्यावर प्रेम करायचं दुखणं तुम्हाला नाही कळणार बाबा। वेड तुझा विरह मळवा, वेड तुझा प्रणय हळवा, वेड तुझा। सॉन्ग कलेक्शन तो अच्छी लग रही है। तुला काय सिद्ध करायचं की तू महान आहेस, पण प्लीज माझ्या गोष्टींपासून आणि माझ्यापासून लांबच राहा। आपल्या लग्नाला 7 वर्ष झाली, मला आपल्यातली एक एक गोष्ट आठवते, तुम्ही आपल्यातला
एक क्षण तरी सांगू शकता? तो जी फाइनली ट्रेलर देख लिया यार। तो जी ट्रेलर में देखें जी, जेलिना देशमुख 35 सालों की हो गई हैं लेकिन अभी भी वो एक कॉलेज गर्ल बनती हैं। तो लेकिन उसमें ये नहीं लग रहा था कि उन्होंने अपने रोल के साथ ज्यादती की है, तो वो वाकई ही लग रही थी बहुत ही क्यूट है और वेल मेंटेन्ड एक्ट्रेस है। और अगर हम रितेश देशमुख की बात करें तो वो भी 43 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने भी अपनी मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से की है। तो दोनों ही कपल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। स्टोरी इंटेंस है और हल्का फुल्का एक्शन भी है, इतना खास कोई पता नहीं चला क्योंकि ये मराठी मूवी है। तो जी थोड़ा बहुत जो पता चला है वो सबटाइटल्स की वजह से ही है, तो इस तरीके से ही पता लगा है कि ये रितेश देशमुख थोड़े से आवारा किस्म के बंदे हैं और अब जो जेलिना देशमुख हैं वो उनसे इंटेंस किस्म का लव करती हैं, तो इसी तरीके से वो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यही ट्रेलर में डिस्कस किया। और साथ में थोड़ा बहुत एक्शन है, स्टोरी बहुत ही ओवरऑल अच्छी लगी है। तो मराठी जबान वैसे सुनने में बहुत अच्छी है और जो सॉन्ग आया था एक दरमियान में तो वो कमाल का ही था, समझ नहीं लगी, लेकिन जो साउंड कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छी है। मराठी जबान बहुत ही स्वीट है, अब लोग पता नहीं है कैसी हैं। तो ये जो भी कोई अगर मराठी लोग मेरी ये रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मराठी लोग कैसे हैं। मुझे तो नहीं पता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब बाद में अगर मूवी डब में आएगी तो मैं ज़रूर देखूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।